Assalamu alaikum children, how are you all? Yes, I am perfectly fine and you are looking also very nice and fresh, है ना? चले जी, अब बताइए कल की आपने रीडिंग प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली थी, रीडिंग हो गई थी, आगे प्रैक्टिस की थी या वहीं तक छोड़ दी थी? आगे भी प्रैक्टिस की थी, वेरी गुड, शाबाश। मुझे पता था कि भाई मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो खुद से भी ट्राई करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना भाई? तो यानी कि हमें चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है, है ना? समझ में आ गया है ना? तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा? हमने बहुत सी चीज़ें सीखी, प्लान, हमें कोई भी, हमें अपनी प्लानिंग करने से पहले, कहीं पिकनिक पे जाने से पहले हमें फोरकास्ट देख लेनी चाहिए, है ना भाई? चले जी, आप क्या करते हैं, हम अपना पेज नंबर 32 निकालते हैं चैप्टर नंबर 4 का, जो कि हमारा चैप्टर था प्लान योर पिकनिक। इसमें हमारे पास कुछ बातें इन्होंने बताई हैं, पहले देखते हैं क्या बातें बता रहे हैं। कह रहे हैं, लॉट्स ऑफ रेनफॉल इन अ शॉर्ट टाइम मेक्स स्ट्रीम्स लेक्स एंड रिवर्स ओवरफ्लो। यस, रेनी वेदर इज प्लेजेंट बट विद लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म इट कैन बी डेंजरस। अ जेंटल विंड is called breeze, much stronger winds are called gales। यानी कि जब आपके पास बारिश होती है, पानी आ रहा होता है, थोड़ी देर के लिए भी पानी हो रहा होता है, थोड़ी देर के लिए भी बारिश आ रही होती है, तो क्या होता है उससे, जो हमारी स्ट्रीम्स होती हैं, जो हमारे लेक्स होते हैं, हमारी जो नहरें होती हैं, हमारे जो झीलें होती हैं, हमारे जो दरिया होते हैं, उनमें ओवरफ्लो हो जाता है, यानी कि पानी का बहाव तेज़ हो जाता है, उसमें पानी ज़्यादा आ जाता है ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा क्या होता है कि रेनी वेदर बहुत अच्छा लगता है, बारिशें होती हैं तो किसको अच्छी नहीं लगती है, अच्छी लगती है ना आप लोगों को? यस, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब बहुत गरज चमक के साथ बारिश होती है, तो फिर डर लगता है ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो डेंजरस हो जाता है, है ना, ख़तरनाक हो जाता है। तो हमारे लिए जो होती है वो डेंजरस हो जाती है जब लाइटनिंग के साथ, बहुत ही थंडरस्टॉर्म के साथ में, बहुत हैवीली, जो आपकी हैवीली बारिश होती है, रेन, व्हेन रेनी वेदर हो जाता है, तो वो फिर डेंजरस हो जाता है हमारे, हमें भी डर लग रहा होता है कि नहीं बस अब ख़त्म हो जानी चाहिए बारिश। हल्की हल्की बारिश जो होती है वो प्रेजेंट लगती है, ग्रीनरी सी लगती है, सब कुछ साफ़ सुथरा लग रहा होता है, लेकिन हमें अल्लाह से दुआ यही करनी चाहिए कि बस जब बारिश हो तो हल्की हल्की अच्छी अच्छी हो, है ना भाई? इतनी डेंजरस ही नहीं होनी चाहिए। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज, मच स्ट्रॉन्गर विंड्स आर कॉल्ड गेल्स। यानी कि जब अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, कूल कूल सी जब हवाएं चल रही होती हैं, विंड चल रही होती है ना, हवा हो रही होती है, तो वो हमें अच्छी लगती है। लेकिन जब वो तूफान की तरह से आ जाती हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, कि बिल बोर्ड उठ जाते हैं, दरख उठ जाते हैं, चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर वो भी जो है हमारे लिए डेंजरस हो जाती है ना फिर, तो उसको भी जो है हमें अल्लाह मियाँ से दुआ करनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जो हैं अल्लाह मियाँ हमारे लिए कम से कम रखे, हमें हर आफत से बचाए। तो इस तरह से हमारे पास जो है मुख्तलिफ रेंज और विंड के बारे में बताया है, और बताया क्या है, समझाया है, आपकी नॉलेज में इजाफा किया है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलें जी आगे चलते हैं और करते हैं अंडरस्टैंड की एक्टिविटी, आस्किंग क्वेश्चन। ओ, हमारे पास पेज नंबर 32 पे अंडरस्टैंड की एक्टिविटी मौजूद है जिसमें क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी? यानी कि हमें आंसर्स दिए हुए हैं और हमारे अच्छे से फ्रेंड्स को, इंटेलिजेंट से फ्रेंड्स को क्या करना है? यस, क्वेश्चंस बनाने हैं भाई, क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। और क्वेश्चंस बनाने के लिए क्या होता है, हमें आंसर दिए जाते हैं और आंसर के आखिर में एक वर्ड दिया जाता है जिसको यूज़ करके हम क्वेश्चंस बनाते हैं ना भाई, आसान होता है ना ये, अब तो आपको आदत हो गई है, प्रैक्टिस हो गई इस चीज़ की। चलें जी देखते हैं हमारे पास पहला आंसर कौन सा मौजूद है। मे क्वेश्चंस फॉर दिस स्टेटमेंट स्टार्ट विद गिवन वर्ड्स। ओके, कूल एयर टेक्स द प्लेस ऑफ हॉट एयर। क्वेश्चन बनाना है इसका, विच, जी कौन सी एयर जो होती है वो जो है जगह घेर लेती है। यस, तो हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे, विच एयर टेक्स द प्लेस ऑफ हॉट एयर। यस, विच एयर टेक्स द प्लेस ऑफ हॉट एयर, तो इसका आंसर क्या है? यस, कूल एयर टेक्स द प्लेस ऑफ हॉट एयर। जी कूल एयर जो होती है वो हॉट एयर की प्लेस को कवर कर लेती है। अच्छा जी, हमारे पास दूसरा आंसर मौजूद है, सन हीट्स द एयर। सन हीट्स द एयर जो हमने वर्ड यूज करना है, जिसको यूज करते हुए हमने जो है क्वेश्चन बनाना है, वो है व्हाट, व्हाट, व्हाट,
क्वेश्चन हमारा बनेगा व्हाट डज हीट द एयर. जी एयर को कौन गर्म रखता है. यस व्हाट डज हीट द एयर. आगे क्या लगाएंगे इसके फुल स्टॉप. नहीं भाई क्वेश्चन मार्क. जी जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके आगे में हम लास्ट में क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि ये क्वेश्चन है. वेरी गुड शाबाश शनि जी. तीसरा आंसर देखते हैं हमारे पास क्या मौजूद है. हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर. हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर. जी हॉट एयर जो होती है वो लाइटर होती है कोल्ड एयर से. तो हमें क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन बनाने के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है देखते हैं भाई. हमें वर्ड यूज करना है विच. विच कौन सी है. जी हमने इसको विच को यूज करते हुए क्वेश्चन बनाना है तो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे विच एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर. कौन सी एयर जो होती है वो कोल्ड एयर से लाइटर होती है. आगे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क तो हमारे पास बन जाएगा क्वेश्चन विच एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर. ठीक है जी. अब हमारे पास फोर्थ आंसर मौजूद है वो क्या है. वी नो अबाउट द वेदर फोरकास्ट फ्रॉम टीवी. वी नो अबाउट द फोरकास्ट वेदर फोरकास्ट फ्रॉम टीवी. और उसके लिए हम क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन बनाने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे. यस वेरी गुड. हाउ हाउ हाउ. तो हाउ से हम बनाएंगे क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन बनेगा हाउ डू वी नो अबाउट द वेदर फोरकास्ट. यस हम किस तरह से जो है वो वेदर फोरकास्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं देख सकते हैं. अच्छा जी हमारे पास हो गए क्वेश्चंस कंप्लीट. अब आपने क्या करना है. यस आपने इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जो हमने शुरू में बात की थी. हमने बात की थी रेनफॉल की बात की थी रेनी वेदर की बात की थी हमने थंडरस्टॉर्म की बात की थी हमने ब्रीज की बात की थी हमने स्ट्रीम्स और लेक्स की बात की थी गिल्स की बात की थी. ठीक है ना. आपने इस वीडियो को बार बार देखना है इस चीज़ को समझना है और दूसरों को बताना है कि भाई वेदर जो है कैसा होता है क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है और क्या चीज़ हमारे लिए डेंजरस हो सकती है ना भाई. और उसके बाद आपने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं क्वेश्चंस लिखने हैं आपने अच्छे से पेंसिल शॉप करके काम कंप्लीट करना है अपने मम्मा पापा को या अपने एल्डर्स को रीचेक कराना है. और फिर जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उनको बताइएगा कि आज हमने क्या पढ़ा था हमारी नॉलेज में किस तरह से इजाफा हुआ था और हमने कैसे एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था. फिर आप क्या करेंगे आप जो है अपने काम की पिक्चर अपनी टीचर को भेज दीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा मेरा कल मैं दोबारा आऊँगी न्यू एक्टिविटी के साथ. अल्लाह हाफिज़.